मेरा कोई प्लान नहीं था, या फिर मेरे बहुत मतलब दो थॉट्स थे कि ये वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, व्हाट वी लाइक पीपल विल थिंक, एंड कि इस पे भी कंटेंट होता है क्या. एंड ऑफकोर्स आवर चैनल इज़ नॉट सो ग्रोन और बड़ा नहीं है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स है अभी, बट आई बिलीव इट्स लाइक अ फैमिली. एंड जो भी हो वी शुड शेयर, एटलीस्ट जो हम लोग शेयर करते हैं आपसे या फिर जो मैं आपको दिखाती हूँ अबाउट माई लाइफ. सो बहुत सोचने के बाद ये वीडियो मैं बना रही हूँ, जिसमें आई वॉन्टेड टू शेयर वेरी सैड एंड अबाउट वेरी क्लोज मेम्बर ऑफ आवर फैमिली, एंड दैट इज़ अबाउट जुगनू. सो मे बी आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि फ्रॉम लास्ट टू थ्री डेज आई वॉज इन पोस्टिंग और क्रिएटिंग अ न्यू कॉन्टेंट. रीज़न ये था कि आई वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर ऑफ जुगनू एंड आई वॉज सराउंडेड बाई टू मेनी वर्क एंड वी ट्राइड अवर बेस्ट, बट कभी कभी होता है कि हम लोग कुछ चीज़ें बियॉन्ड टाइम नहीं कर सकते, या फिर अगर कुछ डिसाइडेड है तो वो वैसे ही होता है. एंड और पेरेंट्स इट अ सेम थिंग, बिकॉज मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठ गई थी फॉर सम टाइम, बट आज थोड़ा सा करेज लेके, क्योंकि कल गणपति भी है तो एक नई शुरुआत हो, एंड टू शेयर जो भी मेरे मन में है सो दैट मैं थोड़ा हल्का फील करूँ, मुझे आपको ये न्यूज़ बताना था. सो एंड इट डोंट फील लाइक वॉट एवर आई एम सेइंग और इवन इफ आई एम ब्लैबरिंग एंड अटक अटक के बोल रही हूँ, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लिटिल बिट ऑफ एंगजाइटी, क्योंकि आई वॉन्ट टू से दैट जुगनू इज़ नो मोर. येस, ही वॉज वेरी वीक कुछ दिनों से, एंड कुछ भी खा नहीं रहा था, उसको मेडिसिन भी दिया, वी आस्क्ड डॉक्टर्स एज वेल, बट लाइक डे बिफोर यस्टरडे रात को, उसका वीडियो नहीं है, हमने मतलब उसको एनर्जी ड्रिंक्स देने की भी कोशिश की ज़बरदस्ती सो दैट वो सस्टेन कर पाए बिफोर एडमिटिंग, बट उसने वो भी वॉमिट कर दिया था, तो उसके पेट में कुछ नहीं रह रहा था, मतलब वो कुछ भी नहीं खा पा रहा था. एंड ऑफकोर्स पेरेंट्स सेड कि ऐसे होता है स्ट्रीट डॉग्स में, लाइक जो भी लाइक ये तो हमारे सराउंडिंग में मतलब कहीं से तो आए थे, इट्स नॉट लाइक कि बिकॉज ऑफ हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, इसीलिए वी नेवर कि पेट्स रखे हमने खुद से, बट शांति कहो जो जुगनू मोगू जो भी है हमारे घर पर जैसे आए तो वी टुक केयर ऑफ देम. तो ऑफकोर्स माई मॉम ऑल्सो सेड कि पपीज़ में ऐसे होता है कि अगर एक फीमेल डॉग्स बहुत सारे पपीज़ को जन्म देती है लाइक 6-8, तो उसमें से 50% ही जो पपीज़ है वो सर्वाइव कर पाते हैं. एंड पहले से आपने देखा भी होगा कि जुगनू मिनिमम ही खाता था, कभी ज़्यादा भोंकता नहीं था, एक जगह पे बैठे तो आता भी नहीं था जल्दी से. एंड ऑफकोर्स जुगनू एंड मोगर फीमेल डॉग्स, बट फिर भी मुझे ऐसे ही उनको बोलना कि आता नहीं था अच्छा लगता है. शांति को भी ऐसे ही बोलती थी मैं पहले. तो कल सुबह जब मम्मी उठी और उन्होंने देखा कि जुगनू वॉज इन मूविंग, वी नेवर थॉट कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आई रिमेम्बर वो 28 अगस्त को यहाँ पे आए थे एंड 20 डेज भी नहीं हुए हैं उनको आए हुए एग्जैक्टली. टुडे इज आई थिंक 16 or 17, एंड मतलब पास्ट फ्यू वीक्स से जो घर पे हो रहा है, मैं मेरे मम्मी के मैटरनल अंकल भी एक्सपायर हो गए, बट ही वॉजेंट अ पार्ट ऑफ द फैमिली जब मैंने यूट्यूब क्रिएट किया, बट जुगनू पहले से था. जुगनू को मैंने पहले से दिखाया कि बिकॉज ही वॉज एक पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी. तो इट वॉज द सेम डे कि अंकल जब एक्सपायर हुए, तभी आई थिंक उसके नेक्स्ट डे ही ये दोनों आ गए थे कहीं से जान बचा के, एंड हमें गाड़ी के नीचे दिखे थे, मतलब ऑफकोर्स वो किचन के साइड थे बट हमें गाड़ी के पास मिले थे. एंड वहीं पे जुगनू भी जब ही डाइड यस्टरडे, वहीं पे था वो. सो सब मुझे याद आ रहा था कि जब मोगू बीमार था कैसे जुगनू उसको मारने की कोशिश करता था, बिकॉज ही वॉज डोमिनेटिंग एट अ टाइम. बट मोगू जब बीमार था वो मछली खाता था, कुछ ना कुछ तो खाता ही था, इसीलिए ही सर्वाइविंग नाउ. बट उल्टा जुगनून ने वैसा कुछ नहीं किया, ही वॉज स्मेलिंग एवरीथिंग, चिकन लाइक जो भी मैं लाती थी फर्स्ट खुद खाने से पहले, मतलब बाहर का भी मैंने ट्राई किया कि वो कुछ तो खाए, वो नहीं खा रहा था, वो स्मेल लेता था और दूर चला जाता था. ही वॉज एंट ईटिंग एनी थिंग, बहुत ट्राई किया मैंने.
but it is what it is, right? We can't stop that thing. And of course, किसी का sadness या किसको कितना बुरा लगता है, we can't comment. So इसीलिए मैं सोच भी रही थी कि ये share करूँ कि नहीं करूँ, but of course we are family and I have been sharing about them on this channel. So that is why I thought कि ये मैं share करूँ आपसे. ऑल्दो हमने ये सोचा कि ऑफकोर्स जुगनू उसको भी पेन हो रहा था एंड इसीलिए वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाया, पर अगर शांति के बेबीज हुए, पपीज़ हुए, तो उसमें से एक को तो हम जुगनू नाम ही देंगे. सो विल कंटिन्यू दिस सीरीज़. हमारे ये क्यूट से दो नाम जिनके लिए हमने बहुत टाइम लगाया था कि कौन सा नाम दे, जुगनू या मोगू या दो पेट्स. तो अभी भी जब मम्मी बोलते हैं कि इसीलिए हम लोग पेट्स नहीं रखते क्योंकि वी गेट इमोशनली अटैच विद देम, फिर ऐसी हालत होती है जैसे कल हमारी हालत थी जिस वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी, वैसी हालत हो जाती है. बट स्टिल आई थॉट कि नहीं, अगर किसकी मतलब ज़रूरत है या फिर अगर कोई पपी खुद से हमें चूज़ करता है तो हम लोग उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे, आगे भी कंटिन्यू करेंगे. सो या दैट इज़ इट. तो मे बी आपको दिखाऊँ भी अभी मोगू भी वॉज एंट फीलिंग वेल सिंस यस्टरडे. पहले तो उसको मॉर्निंग में कुछ पता नहीं चला, ही थॉट ही इज़ मिसिंग और जुगनू कहाँ पे गया उसको पता नहीं चला. बट जैसे इवनिंग होती गई वो ढूंढने लगा कि कहाँ पे है जुगनू. एंड मे बी आई शेयर द क्लिप और स्निपेट जहाँ पे वो एक्चुअली सैड फील कर रहा था. नहीं तो मोगू इज़ लाइक अ डेयर डेविल, वो तो हमेशा ऐसे झगड़ा करने का, झपटने की कोशिश करता है, इज़ नेवर लाइक कि शांत बैठा रहे. लेकिन कल वो बहुत शांत था, उसको बहुत पैम्पर किया मैंने कि उसको फील ना हो ज़्यादा, जुगनू की याद नहीं आए. बट वो वही प्लॉट में गया वापस जहाँ पे जुगनू बैठता था देखने के लिए उसको कहीं मिल जाए. सो आई होप मोगू रिकवर हो एंड क्योंकि वो हमेशा मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करता है मोगू, तो वो ठीक हो जाता है. बट अभी अगर वो डिप्रेस्ड है तो आई डोंट नो उसको कितना टाइम लगेगा. इफ़ नॉट देन ऑफकोर्स वी विल अगेन कंसल्ट डॉक्टर्स फॉर मोगू एज वेल. सो आई प्रे एंड आई होप कि मोगू ठीक रहे एंड हमें जुगनू वापस मिल जाए किसी और रूप में. दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़.